आइए, एक मतला चंद शेरों के लिए मुझे हुक्म हुआ है कि एक शायर को मैं दावत दूं। जनाबे सुहेल रोशन साहब से गुजारिश करता हूं कि अश्क बनकर बिखर गया पानी, अब नजर से उतर गया पानी, आओ उनकी भी फातहा पढ़ लें जिनकी आंखों का मर गया पानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं अपनी गजल पढ़ने से पहले चार मिसरे सचिन सर के नाम करना चाहूंगा। जिनको देखने को नजर भी ढूंढती है बहाना, जिनको देखने को नजर भी ढूंढती है बहाना, सचिन सर आपकी फंकारी का मौसम है सुहाना। क्या बात है, वाह। जिनको देखने को नजर भी ढूंढती है बहाना, सचिन सर आपकी फंकारी का है मौसम सुहाना। और देखा है नजरों ने आपको तो मिजाज ऐसे हैं रोशन, और देखा है नजरों ने आपको तो मिजाज हैं ऐसे रोशन। हमारी खुशी का नहीं है ठिकाना, हमारी खुशी का नहीं है ठिकाना। और इसके बाद मतला और चंद मिसरे आपके नाम करने जा रहा हूं। के आकर तू मेरे दिल की तन्हाइयां तो देख, आकर तू मेरे दिल की तन्हाइयां तो देख, दरिया को देख उसकी गहराइयां तो देख। आकर तू मेरे दिल की तन्हाइयां तो देख, दरिया को देख उसकी गहराइयां तो देख। और हर मोड़ पे तू थोड़ा मुड़ मुड़ के देख ले, और हर मोड़ पे तू थोड़ा मुड़ मुड़ के देख ले, शोहरत से पहले कल की रुसवाइयां तो देख। वाह वाह वाह, शोहरत से पहले कल की रुसवाइयां तो देख। और सचिन सर तवज्जो चाहूंगा कि टूटा है जब भी तारा तो कहती है कहकशा भी, कि टूटा है जब भी तारा तो कहती है कहकशा भी, तू भी जमीन से मेरी ऊंचाइयां तो देख। क्या कहने वाह। और टूटा है जब भी तारा तो कहती है कहकशा भी, तू भी जमीन से मेरी ऊंचाइयां तो देख। और रातों को मेरे जागने की परवाह कहां मुझे, और रातों को जागने की परवाह कहां मुझे, जागी है अब वो नींद से अंगड़ाइयां तो देख। जागी है अब वो नींद से अंगड़ाइयां तो देख। और कहीं तो मिल जाएंगे एक मोड़ पर हम भी, और कहीं तो मिल जाएंगे एक मोड़ पर हम भी, मिलती है मुझसे कितनी तेरी परछाइयां तो देख। और दूंगा जवाब एक दिन कमजोर मत समझना, और दूंगा जवाब एक दिन कमजोर मत समझना, तूफान से पहले की है ये खामोशियां तो देख। क्या बात है। और इसके बाद आखिर में चार मिसरे पढ़कर मैं अपना ये शेर खत्म करूंगा। के वतन के हम गद्दार नहीं, वतन को हम जान कहते हैं, के वतन के हम गद्दार नहीं, वतन को हम जान कहते हैं, जख्मों पर गर लगाए कोई मरहम उसे एहसान कहते हैं। के वतन के हम गद्दार नहीं, वतन को हम जान कहते हैं, जख्मों पर गर लगाए कोई मरहम उसे एहसान कहते हैं। और जंग में गोरे अंग्रेजों का मुंह जिन्होंने किया था काला, और जंग में गोरे अंग्रेजों का मुंह जिन्होंने किया था काला, हम फक्र से उन्हें टीपू सुल्तान कहते हैं, हम फक्र से उन्हें टीपू सुल्तान कहते हैं। और आखिर में दो मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद शायर दाग, उनके लिए मैं दो मिसरे पेश कर रहा हूं कि दाग दे गए जमाने को अल्लामा इकबाल, दाग दे गए जमाने को अल्लामा इकबाल, वरना क्या होता इस दौर में उर्दू का हाल। अस्सलामुअलैकुम।